हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं बेस्ट वीडियो ट्रेड। और अगर बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, देखेंगे टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो बने रहे वीडियो अंत तक। उससे पहले चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं टाटा पावर के बारे में। तो लीजिए, हम लोग टाटा पावर के चार्ट पे चार्ट को हम लोग इनडेप्थ एनालाइज करेंगे। बात करेंगे 11 मई 2020 से। 11 मई 2020 को देखेंगे, स्टॉक ने लो दिखाया था 27 रुपीज के आसपास। वहां से स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम जो है देखने को मिला है। स्टॉक 4 अप्रैल 2022 को हाई लगाई थी 300 रुपीज के आसपास, मतलब 298 का स्टॉक ने जो है वो हाई लगाई थी। स्टॉक ने इतना बड़ा रिटर्न जो है आपको इतना कम टाइम में दिया है। आप स्टॉक को कहां से होल्ड करें जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहां पर अगर आप समझेंगे स्टॉक देखेंगे तो 300 रुपीज के आसपास से स्टॉक ने आपको कंटिन्यूस फॉल दिखाया है। यहां पर अगर आप समझेंगे चार्ट को तो आपको एक बेटर एंट्री पॉइंट मिल सकता है। आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न अर्न कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको चीज बताऊं तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक कभी भी जब बड़ा मोमेंटम करती है तो एक रेंज में रह के फिर ब्रेकआउट दे के फिर वो ट्रेड करती है। यहां पर अगर आप प्रोफेशनली चीज को समझेंगे और पेशेंस रख के अगर चार्ट को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको बेटर एंट्री पॉइंट मिल रही थी। आप देखेंगे चार्ट जो है एक सपोर्ट को बार बार टेस्ट करती है, उसके बाद जो है आपको बड़ा मोमेंट दिखाती है। या फिर अगर आप ब्रेकआउट लेवल को खोजेंगे तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस लेवल है स्टॉक का, जो हाई है वही स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको वेट करना पड़ेगा जब स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करे तब आप एंटर हो सकते हैं। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे, पॉइंट को खोज के ट्रेड करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न अर्न कर सकते हैं। चलिए कुछ पॉइंट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, समझते हैं अभी चार्ट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट को इंसर्ट किया है चार्ट पे। तो चलिए चार्ट को थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम लोग पॉइंट्स को इनडेप्थ एनालाइज कर पाए। तो लीजिए, मैंने आपके लिए चार्ट को थोड़ा जूम कर दिया। आप देखेंगे स्टॉक जब 140 के आसपास से निकल रही थी, स्टॉक ने हाई लगाया और 210 और 200 के लेवल को स्टॉक ने एज अ सपोर्ट की तरह लिया है और स्टॉक मैक्सिमम टाइम इस लेवल को हिट करता हुआ आपको दिखा है। 25 अक्टूबर, 20 दिसंबर, 21 फरवरी को स्टॉक ने इस लेवल को जो है हिट किया है और एज अ सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया है। एक चीज अगर आप नोट करेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बावजूद भी सस्टेन नहीं कर पाई और आपको फॉल दिखाने लगी। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी ट्रेड को करने से पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर प्लान कर ले, ताकि अगर आपका ट्रेड गलत चला जाए तो आप स्टॉप लॉस से देके उस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे और आप फिर से एक नया सेटअप खोजेंगे और फिर से एक नया ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक 300 के लेवल से फॉल दिखा रही है और फॉल दिखाने के बाद स्टॉक फिर से उसी सपोर्ट के पास आ रही है। 210 और 200 के लेवल के पास स्टॉक जो है आ रही है। स्टॉक का अभी करंट प्राइस है 227। तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा यही लेवल स्टॉक के लिए सपोर्ट लेवल बन सकता है। एक चीज अगर आप और नोट करेंगे आपको दिखेगा स्टॉक का जो ये लेवल है एक बड़ा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट को स्टॉक मैक्सिमम टाइम टेस्ट कर चुका है। इस बार जब आएगा स्टॉक अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर आपको ऊपर की तरह मोमेंटम दिखाए तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 200 के नीचे होगा और आप इस ट्रेड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर आपको जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाए तो स्टॉक में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 200 का लेवल और 140 का जो लेवल है वो बहुत दूर दूर है। तो 60 पॉइंट का आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है ट्रेड बेनिफिट। तो आप अगर ऐसे ट्रेड को प्लान करके ट्रेड करेंगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। या तो आप सपोर्ट के पास स्टॉक को आने दें, यहाँ पे होल्ड करने दें, फिर अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम करें तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर स्टॉक यहाँ पे आपको होल्ड करता हुआ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता दिखे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई भी ट्रेड को करने से पहले अपना स्टॉप लॉस जरूर प्लान करें, ताकि अगर आपका ट्रेड गलत चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो और आप उस ट्रेड से बाहर आ जाए। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एजुकेशन पर्पज स्टॉक का टेक्निकल चार्ट में आपको दिखा रहा था कि टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट में ये सब लेवल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस चैनल को ग्रो होने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।